हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। खबर मंदसौर जिले की नाहरगढ़ से। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के संक्रमण धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मंदसौर जिले में भी कोरोना के रोजाना केस मिल रहे हैं। सीतामू तहसील के गांव नाहरगढ़ में 2 दिन पूर्व की गई कोरोना की जांच में एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जानकारी के अनुसार बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेडिकल ऑफिसर BS भाटी द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग के नर्स के रूप में पदस्थ महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उसके बाद प्रशासन द्वारा उस एरिया को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया एवं सील किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार संजय मालवी, नाहरगढ़ थाना प्रभारी गिरीश जीजुलकर, मेडिकल ऑफिसर BS भाटी आदि प्रशासन अधिकारी पहुंचे एवं उस एरिया को सील किया गया और महिला को इलाज के लिए महिला को मंदसौर रेफर किया गया एवं महिला के जो संपर्क में आए उनकी चिन्हित कर जांच की जाएगी। नाहरगढ़ संवाददाता वरुण धाकड़ की रिपोर्ट। नाहरगढ़ में परसों जो है सैंपल लिए गए थे कोरोना के, उसमें से श्रीमती शोभा शर्मा जो कि एक ANA में हॉस्पिटल में कार्यरत थे, उनका सैंपल भी लिया गया था जो आज शाम को रिपोर्ट पॉजिटिव आने पे पूरी कार्रवाई की गई है। और इसमें लगभग कितने संपर्क में आए होंगे इनके संपर्क में? जो इमीडिएट फर्स्ट कॉन्टेक्ट वाले 15 लोग हैं जिन सबको क्वारंटीन कर दिया गया है। परिवार वाले भी हैं और जो इनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थे उन सभी को जो है अपने क्वारंटीन होम क्वारंटीन किया गया है। और बाकी जो है चूँकि ये कार्यरत थी अभी तक जो वर्तमान में भी कार्य कर रही थी, घर घर जा रही थी, काम भी कर रही थी, तो ऐसे जो व्यक्ति जो इसके कॉन्टेक्ट में आए उन सभी का सैंपल कर लिया जाएगा और उसको जाँच के लिए भेजा जाएगा। जो पता नहीं है जो क्वारंटीन आए उनके लिए आप क्या कहोगे? एक सर्वे हम करा रहे हैं पूरे गांव का, इसमें हमने फील्ड से पूरे स्टाफ को बुलाया है और वो घर घर जाके जिनको भी थोड़ा बहुत सिम्टम लगेगा हमको उन सबके सैंपल लेके हम जो है भेजेंगे।